आह्वान दिया है कि सन 2047 तक हमने अपने देश को विकसित भारत बनाना है, और इस समय अगर हम देखेंगे तो हमारा 2/3 जनसंख्या युवा वर्ग की है, 35 साल से उम्र से नीचे है। तो अगर हमको विकसित भारत बनाना है तो हमको इन युवाओं के ही उत्साह और ऊर्जा को संयोजन करके उनको एक नया मार्गदर्शन देना है, और उसी के अनुसार हमने देश में कई स्कीम्स बनाई है। उसी के अनुसार सरकार ने कई स्कीम बनाई है, जैसे पीएम कौशल विकास योजना, उत्तराखंड की सरकार भी कई स्कीम बना रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो उसी रास्ते पे चलते हुए ये जो मिशन गौरव बनाया गया है उसमें ये युवाओं को स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, और ये सिक्योरिटी मार्केट के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। सिक्योरिटी मार्केट के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों में और पर्टिकुलरली कुछ महीनों में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो डीमैट अकाउंट की संख्या 31 दिसंबर 2023 को 14 करोड़ थी, जो कि पिछले 9 महीने में 20% बढ़ी है। इसी तरह से जो निवेश की संख्या भी देखिए, हम म्यूचुअल फंड के अंदर जो निवेश है वो इस समय 53 लाख करोड़ का है जनवरी 2024 में, जो पिछले 9 महीने में 30% बढ़ा है। इस तरह से ये दिखाता है कि कितनी तेजी से सिक्योरिटी मार्केट के अंदर निवेशकों की संख्या भी बढ़ रही है और निवेश भी बढ़ रहा है, और आगे भी ऐसे बढ़ने का बहुत इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसलिए अगर युवा लोग सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ेंगे तो उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा और वो भी देश की प्रगति में योगदान कर सकेंगे। इसलिए जो मिशन गौरव बनाया गया है, जैसे कि आशीष जी ने बताया था उसके बारे में, मिशन गौरव के बारे में बताया, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक जो सफल इसका प्रायोजन हो चुका है पहले से ही उसके बारे में बताया, जहाँ पर माननीय उपराज्यपाल महोदय के सहयोग से उन्होंने वहां पर ये सफल प्रायोजन किया है, और काफी लोगों को वहां पे ऑलरेडी नौकरियां मिल चुकी हैं या वो अपना व्यवसाय चालू कर चुके हैं। तो उसी तरह से हमारा लक्ष्य इस समय उससे भी आगे जाने का है। जैसे कि बताया कि 11,500 लोग रजिस्टर कर चुके हैं, तो उनमें से कितने ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सके और एग्जाम को पास कर सके, तो ये हमारा लक्ष्य होगा, और उसमें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा सके या वो अपना व्यवसाय चला सके। तो मैं आभारी हूँ उत्तराखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उच्च शिक्षा मंत्री का, NSE का, NISM का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसके अंदर ऑनलाइन टीचिंग है, क्लासरूम टीचिंग है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसके साथ साथ हमारे साथ में MD के प्रेसिडेंट भी हैं और MP के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और जिन लोगों ने हमको सहयोग देने का वादा किया है कि ये जो बच्चे पास होंगे इस एग्जाम को उनके लिए नौकरियां ढूंढी जाएंगी या उनको व्यवसाय अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद की जाएगी। तो ये सब योजना है, ये इससे पूरे प्रदेश को विकास मिलेगा। और जैसे हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की योजना से हम प्रेरित होकर ये चालू किया, इस तरह से उत्तराखंड की योजना सफल होगी उससे प्रेरित होकर देश के बाकी राज्य भी ऐसी योजनाएं चालू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मंत्री जी के निर्देशन में जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा स्रोत प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया जाना है, मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा कि कृपया स्लाइड लगाने का चेस्ट करें। माननीय और इसी प्रकार 1,83,00,000
जल्दी ग्राउंडिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो हमारा
गौरव योजना है, हम थोड़ा बच्चों को ये कह रहे थे कि भाई 10,000 से ज्यादा फॉर्म नहीं भर रहे, लेकिन बच्चों ने 11,500 फॉर्म भर दिए थे। अभी मैं भाई चौहान जी को कह रहा था कि 1,500 बच्चे नाराज हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सामने मैं कुछ बातें कहूंगा। तो अच्छा है कि लगभग 12% बच्चों ने इसमें भाग लिया है हमारे राज्य में। जम्मू कश्मीर में टोटल 8% बच्चों ने भाग लिया, तो हम 4% वैसे भी आगे चले। और अगर आपने जो 5,000 को और कहा कि और बच जाएंगे, तो हम लगभग 16% पर चले जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि 5,000 बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा हमारे, तो ये हमारे राज्य की नीड भी है और मुख्यमंत्री जी का हमारा सपना भी है कि बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ हम स्वरोजगार की तरफ भी ले जाए, रोजगार की तरफ भी ले जाए। और मुझे लगता है कि एक बड़ा काम होगा हमारे राज्य में हो जाएगा। दूसरा, हमारे राज्य में जो बच्चे रिसर्च करना चाहते थे या जो फैकल्टी अच्छा काम कर रही थी, अभी तक उनके लिए कोई योजना नहीं थी। तो हमने पिछले सत्र में मुख्यमंत्री के साथ में बात की कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पहला प्रदेश है जहाँ की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा स्कूल प्रस्थान हमने लॉन्च किया। तो जैसे पीएम ने पीएम श्री स्कूल किए हैं, वैसे हम सीएम श्री योजना को इसका नाम देने वाले हैं, बहुत जल्द उसको कैबिनेट में लाने हैं। तो इस योजना में जो बच्चे अच्छा काम करने चाहते हैं, कुछ ये भी टारगेट किया मुख्यमंत्री जी ने हमने कि बच्चे जो शोध करेंगे वो राज्य के हित में करेंगे, तो कुछ टॉपिक हम भी देंगे। तो 485 बच्चों ने फैकल्टी लिस्ट में अप्लाई किया था, उसमें से 44 लोगों को प्रथम उसमें हमने सेलेक्ट किया है और आज लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत तो उनको दी है। किसी को 10 लाख दिए हैं, किसी को 12 लाख दिए हैं, किसी को 15 लाख दिए हैं। हमारी एक फैकल्टी यहाँ पर बैठी हुई है प्रोफेसर राव जी, कई ये आप भी सिलेक्ट हुए उसमें। तो ये एक दिन मेरे घर में आए कि मंत्री जी सच में आप 15 लाख रुपए दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कहा सच में दे रहे हैं। तो पहले फैकल्टी को विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हमारे राज्य में एक बड़ा काम हो गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बम्बई से जितने लोग आप पधारे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, हमारे विभाग की तरफ से भी और हमारे कृषि मंत्री जी की तरफ से भी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अच्छा प्रयास है, मुझे लगता है कि इससे हमारे बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और सबका मैं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ बात में आप लोगों के कोई सुझाव होंगे तो आप बता देना। लेकिन मैं चौहान जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो हमारी दिक्कत थी वो आपने पूरी कर दी है, सबका धन्यवाद भारत। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा सर आशीर्वचन के रूप में। गौरव योजना एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना चल रहा के अवसर पर, जो कि हमारे आज यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से अभी पहली किस्त 1,85,00,000 की चली भी गई है और 44 लाभार्थियों को 3,66,00,000 जो धनराशि स्वीकृत हुई है, उसमें हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेवी और उनके बीच में जो आज यहाँ पर एमओयू हुआ है। इस शुभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और इस कार्यक्रम में जो कि उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए और नई शोधों के लिए हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ पर उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के हमारे उपाध्यक्ष, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, उच्च शिक्षा के सचिव श्री शैलेश वगोली जी, अपर सचिव श्री आशीष जी और MD एवं CEO
एनएससी जिनका ये तो एक नवाचार का कार्यक्रम आपने करा ही है, आप इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। और भी हमें बड़ी अपेक्षा भी है आपसे और अधिकार भी है आपके ऊपर कि अन्य भी अभी हमारे अन्य कार्यक्रमों को भी आपने, चूंकि आपसे हमारा बड़ा व्यक्तिगत संबंध भी है और आपने मुझे पूरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरी उसकी कैसे कैसे काम करता है, मद्रास में कैसे करता है, मुंबई में कैसे करता है, देश के अन्य स्थानों पर कैसे करता है और इसके कारण से क्या क्या देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, कितने देशों से इसका सीधे सीधे संपर्क होता है, पूरा मैं गया वहां पर तो हमने पूरा वहां पर देखा। और उससे पहले से भी आपसे मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय रहा है, इस नाते मैंने कहा कि अधिकार पूर्वक ये काम तो हमारा कर ही रहे हैं आप, यहाँ की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए, सोच नवाचार को बढ़ाने के लिए, अन्य क्षेत्रों में भी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट हमको दिए हैं। मैं चाहूँगा मीनाक्षी जी कि आपके जो अन्य जो हमारे आपके अनुभव हैं, आपके द्वारा जो हमारे राज्य को और भी सहायता मिल सकती है आगे बढ़ने में, जो हमारा मैप है उसमें आशीष जी बहुत मददगार हो सकते हैं, तो आशीष जी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार कि, और आपने आप जो है कभी भी हमारे राज्य का कोई भी वो होता है तो कभी आप हमको जो है निराश करते ही नहीं है, हमारा हमेशा प्रोत्साहन करते हैं। इन्वेस्टर समिट में भी आए, आपको जब भी हमने जहां बुलाया वहां पर आपने हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। और कमलेश जी साथ में आपका भी, चूँकि आपकी पूरी टीम का, जीपी गर्ग जी का, आपका, सब लोगों का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश आहूजा जी, साहिल मलिक जी, विजय मेहता जी, पुनीत धर्मसिंह जी, अमरीश जी एवं इस कार्यक्रम में हमारे समस्त जो विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे वाइस चांसलर, प्राचार्यगण, सभी शिक्षकगण और आज जिनको इस योजना का, जिनको आज ये अनुदान राशि भी मिल रही है और जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मैं और उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज यहाँ पहुँचने पर और बहुत सुंदर आयोजन के लिए आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और अभी आशीष जी ने कहा कि जितने भी छात्र होंगे, जितने भी इसमें जो लोग भी आवेदन करेंगे उन सभी को हम मतलब सभी को हम सहायता करेंगे या सबको अनुदान देंगे, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारा राज्य छोटा होने के बाद भी आज विभिन्न क्षेत्रों में नए नए जो मापदंड हैं वो स्थापित कर रहा है। अभी मेहता जी कह रहे थे हमने UCC की बात करी और भी जैसे नकल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग और राज्य के लोग भी, हम लोग सब लोग, ये है कि हमारे राज्य में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से एक मॉडल बन सकती है। आपके भी जो भी नवाचार हैं आप अन्य राज्यों में करेंगे तो उसमें बहुत प्रकार की कई बार चुनौतियाँ भी हैं, अपने अलग अलग बड़े राज्य हैं, कहीं पर कुछ भिन्न विभिन्नताएँ हैं। हमारे राज्य में जैसे हमने ये उच्च शिक्षा में शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, ये तो ये बहुत जल्दी पूरा राज्य कवर हो सकता है इसमें। हम बिजली के क्षेत्र में जैसे हमारे बिजली सचिव भी हैं, बगल में बैठे हैं आपके मीनाक्षी सुंदरम जी, एक दिन हम भारत सरकार के बिजली मंत्री जी से मिलने गए तो उनसे भी हम कि आपके लिए भारत का कोई राज्य मॉडल हो सकता है उत्तराखंड हो सकता है, क्योंकि हिमालय का राज्य है, गंगा का, यमुना का प्रदेश है, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम करना और एक मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इतनी चुनौती नहीं है कि जो पार न करी जा सके, चुनौती को स्वीकार करते हुए उसको कर सकते हैं हम लोग। और हर क्षेत्र में हमने तय किया है कि हम नए मानदंड स्थापित करेंगे और एक आदर्श
राज्य के रूप में राज्य को एक पहचान मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक विकास के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने और भी प्रयोग किए हैं। जैसे कक्षा 6 से लेकर 12 तक हमने मुख्यमंत्री के नाम से ही छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है, उच्च शिक्षा में भी प्रारंभ की है, और यह भी काम कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई है, और मुझे ये गौरव की अनुभूति भी हो रही है कि हमारा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य है जो ये शोध को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का शोध अनुदान शिक्षकों और जो हमारे रिसर्च के लोग हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए ये प्रदान करने वाला है, प्रदान कर रहा है। और इससे उच्च गुणवत्ता के शोध द्वारा न सिर्फ संबंधित व्यक्ति और संस्थान की पहचान स्थापित होती है, बल्कि और भी जो नवाचार है मानवता के लिए, जो भी हम काम कर सकते हैं, उसके भी नए विकल्पों की तलाश होती है। क्योंकि जितनी शोध करेंगे उतना हम नई चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, आसान रास्ते भी खोज पाएंगे। और जहाँ ज्ञान विज्ञान बहुत सारी तरक्की कर रहा है, बहुत सारे नवाचार कर रहा है, नई नई रिसर्च कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा काम होगा। और शोध किसी राज्य की सीमा से परे होगा, संपूर्ण विश्व के लिए वो वैसे भी सहायक होता है, शोध तो कहीं भी कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के प्रति अत्यंत उत्साह दिखाते हुए लगभग आज कितने 500 प्रस्ताव प्राप्त हुए, लगभग 400-500 के लगभग मान लीजिए, और इनमें से 44 लोगों को आज यहाँ पर जो है चयनित किया गया है। निश्चित रूप से इससे शोध नवाचार एक नई दृष्टि मिलेगी, और उच्च शिक्षा का भी गुणात्मक रूप से विकास भी होगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अनेक क्षेत्रों में नवाचार के काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और विशेषकर से जो अभी हमारे मेहता जी ने भी कहा और आशीष जी ने भी कहा कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का कालखंड भी ये अमृत काल है, और इस अमृत काल में हमको बहुत काम करने हैं, हर क्षेत्र में नवाचार करना है। और ये विकसित भारत का संकल्प किसी एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। इसलिए सभी को अपने अपने स्थान पर जो भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाना होगा। और जब हमारे मन में सबके ये सोच आ जाएगी कि हमको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो निश्चित है कि ये संकल्प हमारा सिद्धि को प्राप्त होगा, और भारत हमारा विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करेगा, पूरी दुनिया हमको देखेगी, और जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। हम भी उत्तराखंड की जो यात्रा है विकल्प रहित संकल्प, ये हमने शुरू से एक मंत्र लिया है कि ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और विकास के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विकास के कार्यों में नई ऊर्जा भी हमको प्रदान हो रही है। और हमारे इस विकल्प रहित संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सहित वित्तीय क्षेत्र के हमारे प्रतिष्ठित नाम हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको नई दिशा देने के लिए आए हैं। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग, क्योंकि युवा ही हैं, ये नवाचारी है, ये शोधी है, जो हमको प्रसिद्धि भी दिला सकता है, हमारा विकास भी कर सकता है, हमको विश्व गुरु का जो स्थान है उस स्थान पर आरूढ़ कर सकता है। इसको लेकर पिछले दिनों जैसे हमने इन्वेस्टर समिट के दौरान मैंने बताया कि ये हम लोगों ने वहाँ जो आपके साथ संबंध किया था, वो एक हमारा आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होगा, एक बहुत बड़ा काम।
इसके माध्यम से हमारा आगे बढ़ेगा, इसको और अधिक पुष्ट और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो इस अनुबंध किया गया है, जो करार किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी कड़ी है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में जो आज कई संभावनाएं बढ़ रही हैं और उसको सही उपयोग करने की दिशा में भी सही प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। 2035 तक इस क्षेत्र में 5 गुना विस्तार की संभावनाएं हैं और एनएससी के सहयोग से हम उच्च शिक्षा में अध्ययन जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, अन्य युवाओं को इसके लिए उपयुक्त जो मानव संसाधन है उसके रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और जिसके निकट भविष्य में बहुत सुखद परिणाम आएंगे, दूरगामी परिणाम आएंगे। आजकल शेयर बाजार के माध्यम से भी निवेश करने की जो लालसा है वो बढ़ती जा रही है, परंतु इसमें निवेश करने से पहले वित्तीय विश्लेषण और गहन जो समझ है वो बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में भी उच्च शिक्षा के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के समझौते का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है और इससे इसके माध्यम से हमारे जो छात्र हैं उनको अच्छी तरह से जो फाइनेंस की जानकारी है या फाइनेंस की जो नॉलेज है उसको पूरा करने का, उसमें आगे बढ़ने का, सीखने का एक बड़ा अवसर मिलेगा जिससे वो अपने निवेश वाले फैसलों को भी आसानी से समझ सकेंगे और पूरी सावधानी के साथ निवेश भी कर सकेंगे। इस समझौते से जहां छात्रों के लिए उनके अध्ययन के लिए एक नवीनतम जो शिक्षा सामग्री के साथ एक सक्षम और जागरूक निवेशकों को तैयार करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी, बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। वित्तीय बाजार को सुरक्षित, निष्पक्ष और मजबूत बनाए रखना ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हमेशा से लक्ष्य रहा है, इनका बहुत बड़ा काम है और ये वास्तव में बहुत बड़ी व्यवस्था को चलाने का काम हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करता है। आज का ये समझौता हमारा इसी दिशा में, इसी लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी से यही कहूँगा कि एक समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड के जो निर्माण की दिशा में हम सब जो भी योगदान दे सकते हैं देवभूमि के लिए, देवभूमि वाले तो कर ही रहे हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने सीधे सीधे कर्म करने का जिनको यहाँ अवसर मिला है, भगवान की कृपा ही होती है जिसको भी देवभूमि में काम करने का अवसर मिलता है और आप लोगों पर भगवान की कृपा है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग, आप सबका प्रोत्साहन हमको नई ऊर्जा भी देगा और इस अमृत काल में जो विकसित भारत का हमारा स्वप्न है उस स्वप्न को आगे बढ़ाने में भी बहुत मददगार होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, समर्थन से उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराने के लिए जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो कारगर सिद्ध होगा, वो धरातल पर उतरेगा। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए और जिनको आज ये उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में जो चयनित हुए हैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।